नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। ये बात सभी को मालूम थी कि आदित्य ठाकरे 15 जून को अयोध्या में जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। बताते चले कि लेटेस्ट ही यहाँ पर तस्वीरें सामने आई हैं जब आदित्य ठाकरे सरयू तट पर आरती करते नजर आए हैं। महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे बुधवार को धार्मिक यात्रा पर अयोध्या पहुँचे थे। आदित्य ठाकरे अयोध्या की अपनी पहली यात्रा पर राम मंदिर के तट पर आरती में भाग लेने से पहले जन्मभूमि स्थल का दौरा करने के लिए भी गए और वहीं पर ठाकरे ने अयोध्या पहुंचने की जानकारी अपने ट्विटर पर दी थी। बता दें कि आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने के लिए दोपहर यानी कि बुधवार को लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे, जो शिव सैनिकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया था। और उसके बाद आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अयोध्या भारत की आस्था से जुड़ी हुई है और हमारी भी यही आस्था है। हम यहाँ आते रहते हैं और राम मंदिर के निर्माण के बाद हम यहाँ से प्रार्थना करने के लिए आए। हमारी इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने कहा कि इसमें राजनीति भी है। बताते चले कि ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अयोध्या की पावन भूमि की जय जय सियाराम। एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संवाददाताओं से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आदित्य ठाकरे ने इस्कॉन मंदिर में पूजन अर्चन की। उन्होंने इस दौरान मंदिर का एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है, जो आप देख सकते हैं। और उन्होंने लिखा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और इस्कॉन मुंबई के संबंधों को याद करते हुए इस्कॉन रामनगर के दर्शन के निमंत्रण और प्रेम के लिए मैं आभारी हूँ। हरे कृष्णा। रामनगर अयोध्या से ढेर सारा आशीर्वाद मिला और कुछ अस्मरणीय यादें मिली। आशा है कि बाकी बिहारी जी मुझे जल्द ही वापस बुलाएंगे। हरे कृष्ण। इस तरीके की बातें यहाँ पर लिखी। अगर बताते चले कि सरयू आरती के बारे में जो लगातार आप वीडियो देख भी रहे हैं, तो बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सायंकाल सरयू आरती में हिस्सा भी लिया था। और ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर शिवसेना के स्थानीय इकाई ने तैयारियां पूरी कर ली थी। 1051 बत्ती की आरती से पूजा अर्चना की गई और इस दौरान 5 बेदी में मां सरयू की आरती की गई और इस दौरान वह एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए नजर आए। जी हाँ, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका क्या कहना है यहाँ पर आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।